नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू. ठीक है, टेबल टेबल के अंदर डिजाइन व्यू यूज करना. आप अलग अलग डिजाइन से भी टेबल को बना सकते हो. द डिजाइन व्यू अलाउ यू टू एंटर नेम्स ऑफ द फील्ड इन द टेबल एंड स्पेसिफाई देयर डेटा टाइप्स. अ डेटा टाइप इंडिकेट द काइंड ऑफ डेटा. डेटा एक प्रकार को इंडिकेट करता है, जैसे डेटा क्या दे रखा है एग्जाम्पल में, जैसे नंबर्स लिखना हो, टेक्स्ट लिखना हो, डेट्स लिखने डेट लिखनी होती है, ये सब क्या इसमें इंक्लूड हो रहे हैं डेटा के अंदर, है ना. बी टू बी स्टोर्ड. लेट क्रिएट अनदर टेबल इन द डेटाबेस स्टूडेंट्स यूजिंग डिजाइन व्यू बाय फॉलोइंग द स्टेप गिवन बिलो. अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स नेम लिखना है, तो बच्चे इस टेबल के द्वारा हम डिजाइन में कैसे एड करेंगे. फर्स्ट है सिलेक्ट द टेबल डिजाइन ऑप्शन फ्रॉम द टेबल ग्रुप ऑन क्रिएट टेब एंड शोन अलोंग साइड, है ना. सेकेंड है यू विल सी द टेबल डिजाइन स्क्रीन विथ थ्री कॉलम्स, है ना. थ्री कॉलम्स में आपको सामने आपको दिखाई देगा फील्ड नेम, डेटा टाइप, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन. एंटर द फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन द इनिश फील्ड द. अगेन रिपीट, यू विल सी द टेबल डिजाइन स्क्रीन विथ थ्री कॉलम्स, है ना. थ्री कॉलम्स आप देखोगे टेबल डिजाइन के अंदर, फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन. ठीक है, थ्री कॉलम कौन कौन से होंगे आपके, फील्ड नेम होगा, डेटा टाइप होगा और डिस्क्रिप्शन. एंटर द फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन इन ईच फील्ड द टेबल इज शोन. जैसे आपने थ्री जो कॉलम्स बेटा सिलेक्ट किए थे, तो देखो ये विंडो में बता रखा आपको फील्ड नेम में जैसे ये दे रखा है, डेटा टाइप में ये दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में आपका ये दे रखा है. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप स्टूडेंट्स नेम और रोल नंबर मोबाइल नंबर लिखोगे, डेटा टाइप में आप टेक्स्ट नंबर कुछ भी लिख सकते हो, और फील्ड इसमें स्टूडेंट्स नेम, क्लास का सेक्शन और पूरा फिल कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेव द टेबल इधर बाय प्रेसिंग कंट्रोल एस कीज टूगेदर और चूजिंग सेव ऑप्शन फ्रॉम द ऑफिस बटन. टाइप द नेम ऑफ द टेबल इन सेव एज बॉक्स एंड प्रेस ओके बटन. नेक्स्ट अ मैसेज बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन गिविंग यू अ वार्निंग दैट नो प्राइमरी की इज डिफाइंड. क्लिक ऑन नो ऑप्शंस. ठीक है, कोई ऑप्शंस नहीं आएगा आपके. फिर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रेस कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की टूगेदर टू क्लोज द टेबल विंडो, है ना. नेक्स्ट है आपका मॉडिफाई द टेबल स्ट्रक्चर. टेबल स्ट्रक्चर को आपको मॉडिफाई करना है, तो समटाइम यू मे नीड टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल. कभी कभी आपको जो है टेबल को चेंज करने में या मॉडिफाई करने की जरूरत होती है, तो आप कैसे करोगे. यू कैन इंसर्ट न्यू फील्ड एंड डिलीट एनी फील्ड. यू कैन ऑल्सो चेंज द नेम, डेटा टाइप एंड अदर पैरामीटर ऑफ द फील्ड. नेक्स्ट इंसर्टिंग अ फील्ड. अब आप उसके अंदर कैसे फिल करोगे, इंसर्ट करोगे. स्टेप वन, सिलेक्ट द फील्ड वेयर यू वॉन्ट टू न्यू फील्ड शुड अपियर अबाउ. स्टेप टू, क्लिक ऑन डिजाइन टेप. स्टेप थ्री, क्लिक ऑन इंसर्ट रो. अ न्यू रो अपियर्स अबाउ द सिलेक्टेड रो. स्टेप फोर, टाइप अ फील्ड नेम एंड चूज अ फील्ड टाइप. अब डिलीटिंग अ फील्ड, कुछ आपको फील्ड में डिलीट करना है. स्टेप वन, सिलेक्ट द फील्ड दैट यू वॉन्ट टू डिलीट. स्टेप टू, क्लिक ऑन डिजाइन टेप. स्टेप थ्री, क्लिक ऑन डिलीट रोज. द रो विल बी डिलीटेड अलोंग विथ एनी डेटा दैट द फील्ड हैव. रीनेमिंग अ टेबल, है ना. टेबल के अंदर आपको फिर से नेम चेंज करके नया नेम लिखना है आपको. यू कैन रीनेम अ टेबल एट एनी टाइम. आप जो है टेबल में किसी भी टाइम जो है रीनेम, किसी भी समय आप जो है नेम चेंज कर सकते हो, फिर से उसका रीनेम कर सकते हो. एसेस ऑटोमेटिकली अपडेट ओल्ड रेफरेंस टू द टेबल थ्रू आउट एट द डेटाबेस. सो एनी फॉर्म्स, रिपोर्ट और क्वेरीज बेस्ड ऑन द डेट टेबल कंटिन्यू टू वर्क. द टेबल मस्ट बी क्लोज इन ऑर्डर फॉर यू टू रीनेम इट. स्टेप वन, राइट क्लिक ऑन द टेबल नेम इन द नेविगेशन पैन. अ शॉर्टकट मीनू अपीयर. स्टेप टू, चूज रीनेम फॉर्म.
द शॉर्टकट मेन्यू, द टेबल नेम अपीयर इट एडिट मोड। नेक्स्ट स्टेप 3, टाइप द न्यू नेम, टाइप द न्यू नेम फॉर द टेबल एंड प्रेस एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड। द न्यू नेम अपीयर्स ऑन द टेबल। डिलीटिंग अ टेबल, टेबल को कोई डिलीट करनी है, करनी है तो आप कैसे करोगे? यू कैन डिलीट एनी टेबल फ्रॉम योर डेटाबेस। यू शुड बी श्योर व्हाइल डिलीटिंग द टेबल बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू बी अंडू अ टेबल डिलीशन। स्टेप 1, क्लिक ऑन द टेबल नेम इन द नेविगेशन पेन। स्टेप 2, क्लिक ऑन होम टैब। स्टेप 3, क्लिक ऑन डिलीट बटन फ्रॉम रिकॉर्ड ग्रुप। अ कन्फर्म डायलॉग बॉक्स बॉक्स ओपन्स। स्टेप क्लिक ऑन यस, द टेबल विल डिलीट, और आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है आपका क्लोजिंग द डेटाबेस एंड एग्जिटिंग MS SS। डेटाबेस को कैसे क्लोज करना है और MS SS से बाहर आने के लिए, आफ्टर वर्किंग ऑन द डेटाबेस यू शुड क्लोज इट। यू कैन क्लोज द डेटाबेस एंड एग्जिट MS SS बाय फॉलोइंग दिस गिवन स्टेप्स। स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। स्टेप 2, चूज एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू और क्लिक द क्लोज बटन इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द एक्सेल 2010 प्रोग्राम विंडो। इफ यू ट्राई टू एग्जिट एक्सेल आफ्टर वर्किंग ऑन अ वर्क बुक एंड यू हैव नॉट सेव्ड योर लेटेस्ट चेंज, एक्सेल डिस्प्ले एंड अलर्ट बॉक्स आस्किंग वेदर यू वॉन्ट टू सेव योर चेंज। आपको जो है एक्सेस जो है आपको डायलॉग बॉक्स के सामने अपीयर होगा कि आप कोई नाम चेंज करना चाहते हो सेव के लिए, तो टू सेव योर चेंज बिफोर यू एक्सिटिंग, बाहर निकलने से पहले आप जो है फाइल का नाम चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो आप वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्लिक द सेव बटन, फिर आप सेव बटन पे क्लिक करोगे। इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू सेव योर चेंज क्लिक डोंट सेव। ठीक है, यहाँ तक आपका चैप्टर बच्चों ओवर हो गया। ये शॉर्ट की दे रखी है टू सेव द टेबल की, टेबल के अंदर आप कैसे सेव करोगे, कीबोर्ड के द्वारा कंट्रोल प्लस एस, टू क्लोज द टेबल कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करोगे तो क्लोज हो जाएगी आपके टेबल वाला वर्क, एंड टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस कंट्रोल एन करोगे, और टू ओपन अ डेटाबेस तो कंट्रोल ओ करोगे तो आपकी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एट क्लास लेसन 5th आपका फिनिश हो गया है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू एट क्लास।